हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉपर्स मेंटर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग बीकॉम 2020 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे कि बीकॉम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए, राइट। लास्ट टाइम भी मैंने अपलोड करा था और बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो आप लोग बहुत दिनों से मैसेज कर रहे हैं बीकॉम की क्लासेस के लिए। तो देखिए, बीकॉम की क्लासेस अब मैं इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपको यहाँ पे बीकॉम में, राइट। तो आप लोग मुझे बताएं कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है लाइक बीकॉम का। देखिए, हम एक पेपर एनालिसिस करते हैं पिछले साल का, उसके बाद आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है बीकॉम के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे डेफिनेटली मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा बीकॉम के लिए, राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है 2018, पिछले साल का पेपर है ये। सेम इसी पैटर्न पे 2019 का भी पेपर आया था, राइट। तो देखिए, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या आना है, उसमें ऑब्जेक्टिव आता है। ये ऑब्जेक्टिव आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप इन ऑब्जेक्टिव्स को जो 2020 बीएनबी 2020 आती है वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं और ये कवर हो जाएगा वहाँ से। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, राइट। नाउ तो ये 2020 ये मैं इनको सॉल्व भी कराऊँगा, इनके आंसर्स भी बताऊँगा अगर आपको लगता है कि इनको कराना चाहिए, ओके। सो इसके बाद देखिए, जो आता है मेन है वो है सेकंड पार्ट। दिस वाज ऑल द पार्ट वन, ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको फिर भी आपके पास पेपर नहीं है, आपको नोट करना है, तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से ले भी सकते हैं, राइट। सेक्शन बी में आते हैं, यहाँ पे 5 नंबर के 2 क्वेश्चंस हैं, ओके। और बहुत ही आसान है सेक्शन बी, देखिए कैसे। पहला है जनरल एंट्रीज़ के क्वेश्चन करना। तो अगर आपको जनरल एंट्री सीखना है, अगर आपको जनरल एंट्रीज़ नहीं आती हैं, तो आप मेरे इस चैनल पे जनरल एंट्री के लिए मैंने वीडियोस वहाँ पे बना के रखी हुई हैं। तो आप एमपी बोर्ड के 11th या किसी एक प्लेलिस्ट में जाएं, आप देख लीजिए, थोड़ा घूम लीजिए मेरे चैनल को, वहाँ पे जनरल एंट्री से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगे। आप उन एंट्रीज़ को करिए। ऑल दो मैं ट्राई करूँगा कि मैं बी कॉम लेवल की कुछ एडवांस एंट्रीज़ भी वहाँ पर कवर कर दूँ, राइट। बहुत जल्द मैं ऐसा करने वाला हूं। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वही पास जनरल एंट्रीज। ये बहुत आसान है, आई एक्सप्लेन इट मे बी अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, ओके। दूसरा वाला थ्योरी है, तो ये बेसिक थ्योरी है, पर उसमें दी हुई है 2020 में। एक्सप्लेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये बोल रहा है भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 समझाइए आप। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एक्चुअल में नया आया है, उसमें कुछ अपडेट है, इसलिए इन्होंने लास्ट टाइम पेपर में पूछ लिया था, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर है सेम, अभी वही सेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। COGS निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू निकालना है यहाँ पर। ये भी बहुत आसान सा टॉपिक दिया हुआ है, और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं बता दूंगा। मैं अभी चैप्टर वाइज पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, मोस्ट रिसेंट जो। देखिए, आप मुझे चैप्टर बताएं कौन से पढ़ना है, आपको कमेंट करके बताएं। और मेरा नंबर है, मैं यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ, 9425305335। कॉल नहीं करना है, आप व्हाट्सएप पर जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपको नहीं आ रहे हैं, तो आप उनका फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर भेजिए, डेफिनेटली मैं उनको सॉल्व करके अपलोड कर दूंगा, राइट। कोई भी बुक हो, डजेंट मैटर, ओके। और ये अभी कभी में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में अभी थोड़ा टाइम है, तो मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा वीडियोज़ फिर उस टॉपिक से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन आपने देखा कैसे क्वेश्चन हो गया ये, ओके। नाउ यहाँ पर ये थ्योरी क्वेश्चन अगेन आ गया, लीज़ में क्या डिफरेंस होता है, तो लीज़ का आप ये क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन सब मैंने बताए हुए हैं, जॉइंट वेंचर क्या होता है, और ये इसका एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही आता है, क्लियर है, कंसाइनर कंसाइनी वाला। नाउ फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, पार्टनरशिप से रिलेटेड ये है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इजी टॉपिक था, मैंने लास्ट टाइम बताया था और ऐसे ही बिल्कुल पेपर में आ गया था। फिर ये है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट भी बहुत आसान टॉपिक होता है। देखिए, डेटर्स एडजस्टमेंट ही पेपर में आता है, डेटर्स एडजस्टमेंट का भी टफ वाला पार्ट, थोड़ा सा एक एडजस्टमेंट के साथ में, क्लियर है। तो इस तरीके से ये पूरा एक पेपर का एनालिसिस है। अगर आपको बीकॉम के इम्पॉर्टेंट पेपर या क्वेश्चंस कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे बताएं, आई विल प्रोवाइड यू। और अगर चैप्टर वाइज मुझे बताना पड़ेगा आपको कि आपको बेसिकली कौन से चैप्टर में डाउट है, ओके, तो मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। जो भी ये चैप्टर में आपको डाउट होगा वो मैं करवा दूंगा। मैंने अभी प्लेलिस्ट अपडेट कर रहा हूँ मैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तभी पढ़ाऊँगा मैं, राइट।
तो उसके लिए क्या है, देखिए कम से कम आपको 100 स्टूडेंट्स कमेंट कर देंगे तो मैं वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। देखिए जब मैं इतना पढ़ाऊंगा यहाँ पे तो ऑब्वियसली कुछ लोग होने चाहिए पढ़ने के लिए, तो अराउंड अगर 100 स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं पढ़ने के लिए, आप अपने शहर का नाम अपना नाम लिख के कमेंट करिए, डेफिनेटली आई विल स्टार्ट टीचिंग विद दैट, राइट? ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।